असला एवरी वन दिस इज मी हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप स्पेशल और आज के दो मैचेस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तो अभी जारी है पहला मैच जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था बहुत सारी नहीं हुआ <laughs> नहीं हुआ ना वो मैं बताने लगी हूँ क्यों नहीं हुआ मैं हूँ हिना न्यासी मेरे साथ है, चौधरी इरफान जहीर इरफान साहब आज हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे इस पर कि अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं और पहली बार उनका सेमीफाइनल में पहुंचना और फिर हम सब भी ये सोच रहे थे कि कोई हिस्ट्री बनने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ ये एक बात अटैच की जाती है कि जी वो चोकरस हैं और इस तरह के बड़े मैच में आके जब भी सेमीफाइनल या फाइनल में जाते हैं चोक कर जाते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली कि उन्होंने नहीं किया और अफगानिस्तान की टीम ने इतना सेलिब्रेट किया, इतनी खुशी मनाई में पहुंचने की थी, उससे बाहर नहीं आया ये दुनिया का रूल है ये खेल का रूल है कि आप अब जो करंट मोमेंट है उसमें रहना पड़ता है एक्साइटमेंट तो इतनी नहीं होनी चाहिए और एक्साइटमेंट के अंदर कि आप आगे का सोचे ही ना और गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर अपर्चुनिटी कल का ही नहीं कि हौला हाथ रखो मतलब आप भी पंजाबी में बोल देते बोलते जितना मैंने बोला दोनों में किसी ने नहीं बोला कि उनको वापस आना चाहिए चाहिए उनको इस चीज को रियलाइज करना रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है अजहर अली साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं कैसे आप अलहमदिल्ला आज आप बहुत ठीक लग रही है आज मेरी तबीयत भी ठीक है तो इसलिए मैं ठीक हूँ असला मिजहार बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद है आप कैसे है ठीक ठाक आप कैसे मैम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक खुश और एक और इम्पॉर्टेंट मैच जारी है उससे पहले उस पर बात करने से पहले मैं अनाउंस करती चलूं कि हमारा क्विज़ होता है रोज़ और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सही जवाब देकर आप अपने शहर का नाम भी हमें बता सकते हैं अपना नाम भी बता सकते हैं अपनी तस्वीर अगर आप समझते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए हम आपकी पिक्चर भी ज़रूर दिखाएंगे और आज का जो हमारा क्विज़ है वो ये है कि टी वर्ल्ड कप में अब तक फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर कितना बना ऑप्शंस आपकी ऑप्शन पर आ रही हैं, आप देख सकते हैं और अगेन uh, अगर हिंट की बात करें इरफान साहब पता नहीं वो आज हिंट देना चाहते हैं नहीं ये, लेकिन... ये हिंट दे देते हैं कि वो जो टोटल बना था वो चेस भी हो गया था अच्छा ये, ये मेरा ख्याल मैं अच्छा हिंट, हिंट, हिंट ये देना चाहती हूँ कि गूगल पे भी सही जवाब आ रहा है वो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है लोग तो लो, वो लो, लो को को नहीं नहीं। नहीं देख लेंगे <laughs> अच्छा अजहर अली साहब वैसे क्या किया है अफगानिस्तान की टीम ने मतलब बनता था ये <laughs> नहीं, <laughs> नहीं आपसे पूछना चाहिए <laughs> <laughs> आप जी नहीं मैंने मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर जैसे मैंने ग्रुप में पूछा था ना ये क्या किया है ये क्यों नहीं खेले आज मैं वही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या किया है क्यों नहीं खेले बस एक तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट जैसे इरफान ने जिक्र किया था कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि फ़र्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं आ, मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेशन की तरफ चले गए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नो डाउट अबाउट इट और मतलब कि उनको खुश भी होना चाहिए था उनकी कंट्री सेलिब्रेट करती चाहे वो दो दिन करती रहती लेकिन आ, जब आप जैसे मैंने शाम के शो में भी ये आ, मिसाल दी कि जब आप सेंचुरी करते हैं ना तो आप ये आउट हो जाए ना मतलब कैजुअल वे में आउट हो जाए तो आपको ये दुख होता है फिर आगे यार मैंने नेक्स्ट टाइम जीरो से स्टार्ट करना है जी। तो आप जब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो आप मेक श्योर sure करें कि आपने जब नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलना है तो सेमीफाइनल से स्टार्ट नहीं करना आपने दोबारा से क्वालिफाइंग कौलिफ, कौलिफ, राउंड खेल के फिर सुपर एट वटेवर फॉर्मेट जो भी होगा उसमें फिर आप जाके सेमीफाइनल में पहुंचेंगे बहुत मेहनत करके तो हमेशा ये होता है चाहे आपकी इंडिविजुअल इनिंग हो या कोई टूर्नामेंट हो जब आप अच्छी स्टेज पे पहुंच जाए ना तो मेक करेंपिटलाइज sure करें कि आप उस कैपिटलाइज करें ये ना करें कि उसको, उसको उसकी खुशी में आप एक बड़ी अचीवमेंट लेकिन जिसने किसी बैट्समैन ने अगर 200 या 300 रन बनाए ना वो अगर 100 पे खुश हो जाता तो वो ना बनाता दिकुण दिकुण तो इसी तरह ये कि जब आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं ना तो आप मेक श्योर sure करें कि ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे हाथ में है ये कंडीशन हमारी फेवर की है exactly. हर चीज श्योर की यहाँ पे हम मैक्सिमम करें हर जीत खेल का हिस्सा है लेकिन आई फील के जिस तरीके से उनको पता होना चाहिए था कि हमारे ओपनर्स ही मेनली हमारी बैटिंग में स्कोर कर रहे हैं मैं थोड़ा सा कैंडी ऐड करता चलो चूंकि अभी मैच चल रहा है उस पर ही बात करते हैं सूर्य कुमार यादव भी आउट हो चुके हैं तो हाँ, वो क्योंकि ऑब्वियसली फिनिशर के रोल में भी इनको कंसिडर किया जाता है रोहित आ, भी आउट हो गए रोहित भी आउट हो चुके हैं अदर भाई इस मैच को भी साथ साथ हम डिस्कशन में रखेंगे पूरा शो क्योंकि हमारा ड्यूरिंग शो ये मैच चलता रहेगा ठीक है टॉस बड़ा वाइटल था और टॉस कब क्योंकि बारिश अभी तो प्रडिक्शन यही शायद अब ना हो बट पासिंग शार की फिर भी चांसेस है पॉसिबिलिटी है तो डीएलएस मेथड भी आ सकता है और प्लस आपके पास जब मॉइस्चर का जब भी चांस अभी खत्म हो जाएगा शुरू में थोड़ा लो बाउंस था तो टॉस के डिसीजन के वाले से क्या कहेंगे आप देखिए अगेन वट एवर द टीम इज कम्फर्टेबल बट मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई भी रन जो भी ये इंडिया करेगी इतना ईजी नहीं होगा चेज करना क्योंकि अभी भी हमने कुछ डिलीवरीज देखी हैं बहुत ज्यादा टर्न हुई हैं और नीचे भी रही हैं तो अगेन वही बात है कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है स्पिन बॉलिंग अटैक स्पेशली वो तंग कर सकता है आ, आ, जो इंडिया इंग्लैंड की टीम को और बुमराह की भी अगेन बहुत फॉर्म है तो आई थिंक कोई भी टोटल 160 प्लस 170 होगा तो गियाना की नॉर्मली गियाना में इतनी आसानी असान, से चेंज नहीं होता तो लेट्स सी ये तो मैच के बाद ही आ, राइट या रॉन्ग साबित होगा हो डिसीजन लेकिन आई फील के बड़ी गेम में हमेशा रन ऑन द बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट

और पांच मैचेस हुए हैं तीन दफ़ा पहले बैटिंग टीम करने बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। और दो दफ़ा सेकंड बैटिंग टीम करने वाले अगर उस हिसाब से हम वैलुएट करें तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया वन सिक्सटी वन भी पुट कर देते हैं स्कोर बोर्ड पर तो इंग्लैंड के लिए चेज़ करना बड़ा मुश्किल होगा और मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए अगर चेज़ करना है ये टोटल जिस तरह पिच का बिहेवियर हमने थ्रू आउट द मैच देखा है पिच लो बाउंस है अन बाउंस है बॉल बैठ जाती है टर्न भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इंग्लैंड को पावर प्ले को कैपिटलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है hmm. तो पहले छह okay. ओवर में दे हैव टू गेट हेड ऑफ द गेम दे हैव टू टारगेट इंडियाज फास्ट बॉलर्स या फिर अगर कोई स्पिनर का भी अनलाइकली uh, है कि वो स्पिनर से स्टार्ट करें लेकिन <laughs> इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इंग्लैंड का टारगेट करना बहुत जरूरी है और कोशिश है कि पावर प्ले में पचास साठ के करीब स्कोर कर लें एंड गेट हेड ऑफ द रन रेट क्योंकि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगी पिच स्लो होती जाएगी और हिट करना बड़ा मुश्किल होता जाएगा hmm. तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा पानिस्तान के बारे में हम कल भी बात करे थे कि दे वर वेरी ओवर रिलायंट ऑन देर टॉप ऑर्डर इब्राहिम जदरान थे या गुरबाज थे तो अगर और ये एक एक वीकनेस वीकनेस थी थी इनकी एक massive weakness थी। और उन पे अगर उनके बाद कोई भी रन करने वाला नहीं था साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया उनके फास्ट बॉलर्स बेहतरीन बॉलिंग की मार्को यसन ने रबाडा ने नोकिए ने जबरदस्त बॉलिंग की इवन मिडल ओवर्स में शमसी ने टेल को बड़ा जल्दी उनको वाइप आउट किया और बड़ा ही किस्म की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थी उन्हें बिल्कुल भी एक दफा अफगानिस्तान को जब उन्होंने अफगानिस्तान उसके बाद उठने नहीं दिया चोकिंग तो का सिनारी हो इतना उन्होंने वन साइडेड डोमिनेट करके आ, मैच अफगानिस्तान को एग्जैक्टली अच्छा जब हम बात करते हैं तबरेज शमसी की तो उन्होंने आज भी अपने आप क्या समझते हैं जो बॉलिंग में जितना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्या फाइनल में भी हमें ये परफार्मेंस उनकी देखने को मिलेगी देखिए स्पिनर्स का रोल थ्रू आउट स्पेशली करिबियन करिबियन में बहुत ज़्यादा रहता है और जो स्टेज था वो सेट था उनके लिए जो पास बॉलर्स ने काम कर दिया हुआ था और स्पेशली जब टेल सामने आती है तो रिस्पिन स्पेशली लेफ्ट आर्म रिस्पिन हो तो वो बहुत ही मुश्किल होती है टेल एंडर्स के लिए पिक करने के लिए तो आई थिंक वो राइटली वो पिक भी नहीं कर पा रहे थे उनको तो कल की परफार्मेंस ज़्यादा उससे पिछले मैच की परफॉर्मेंस ज़्यादा

एक चीज बहुत ज्यादा एविडेंट रही है कि कंडीशंस मोस्ट मैचेस में मजा नहीं आया मेरे ख्याल में ठीक है बॉलर्स को एट टाइम्स uh, बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट्स पे सफर करना पड़ता है लेकिन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए अब ये सेमीफाइनल के विकेट पे भी देखें uh, अफगानिस्तान ठीक है अंडर uh, परफॉर्म कर गई लेकिन आप विकेट भी देखें उसमें एक्स्ट्रा बाउंस बहुत ज्यादा था क्रैक्स इतने ज्यादा नजर आ रहे थे अन और बहुत ज्यादा साइडवेज मूवमेंट और टी में ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है इवन वनडे में या टेस्ट में आप क्योंकि टाइम ज्यादा होता है तो आप सरवाइव करके अपने टाइम का वेट कर सकते हैं लेकिन टी क्रिकेट में आप कितनी देर वेट करेंगे उतनी देर में ओवर खत्म हो जाएंगे तो आई फील के कंडीशंस को बेहतर इतना जरूर करें जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था राइट बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट था थोड़ी देर नया बॉल तंग करता था लेकिन मिड ओवर्स और एंड के ओवर्स में हिटिंग अच्छी हो जाती थी लेकिन यहाँ पे मुश्किल होती है तो मुश्किल ही रहती है यह क्योंकि यहाँ पे बहुत लो स्कोरिंग मैच एट टाइम्स हुए हैं बिल्कुल है हार बाजवा साहब हम आपसे भी जानना चाहेंगे अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इनफैक्ट ये साउथ अफ्रीका के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट था

पहला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उन्होंने उसमें इंग्लैंड को हराया पाकिस्तान को हराया जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उससे पहले वो टेस्ट प्लेंग नेशन खिलाफ इतना उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं था इवन सो मच सो जिस तरह कल ट्रांसमिशन में रमीज़ भाई बात कर रहे थे कि इवन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो इनके साथ खेलने को नहीं प्रेफर करते थे खेलना नहीं चाहते थे तो इस तरह उन्होंने जो लास्ट वर्ल्ड कप में ये दो विक्ट्रीज ली इससे उन्हें बड़ा ही कॉन्फिडेंस मिला उनका जो इंडिविजुअल प्लेयर्स पहली थे इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो पहली उनके पास थी राशिद खान था या रहमान गुरबाज की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी या फिर थी। उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे थे नबी मुजीब जो इस टूर्नामेंट में इंजर हैं लेकिन आ, वो तो दिखाते थे आते आहिस्त उन्होंने टीम ने जेल इन किया उनकी फास्ट बॉलिंग ने इम्प्रूव किया और जो अच्छी चीज है उनके लिए जो उनका स्क्वाड है अभी नबी तो ओल्ड हैं थोड़े पुराने हैं अराउंड थर्टी एट थर्टी नाइन काफी अरसे खेल रहे हैं दो हजार चार में उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल मैच खेला था लेकिन बाकी जो उनका स्क्वाड है रिलेटिवली यंग है एंड दे आर इन रिलेटिवलीयर अर्ली ट्वेंटीज अभी भी देव गॉट गुड टेन ईयर्स ऑफ क्रिकेट अहेड ऑफ़ दैम तो इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम टू बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल लेकिन आई स्टिल थिंक जब वो सेमीफाइनल में गए थे तो जिस हंगर से जिस डिज़ायर से जिस पैशन से उन्होंने टूर्नामेंट में खेला था और जो फोकस उन्होंने सेमीफाइनल तक अचीव करने के लिए दिखाया था वो कहीं ना कहीं वो लूज करके पहले भी हमने बात की कि जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे इन्जॉय कर रहे थे डेफिनेटली बनता था लेकिन उसको भी उन्हें किसी तरह टेपर डाउन करना सेलिब्रेशन को टेपर डाउन करना था सीनियर रोल्स का सीनियर प्लेयर्स का रोल होना चाहिए था कि वो समझाते काउंसिल करते कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच और इस तरह पीपल वुड से देव हैव ओवर अचीव्ड

सेमीफाइनल जीतने के बाद जो नॉर्मल सी उनकी सेलिब्रेशन थी कोई खास नहीं आई फील के उनका टारगेट है कि हमने अब चैंपियन बनना है तो यू नो अगेन इट कम्स फ्रॉम द लीडरशिप दैट इज टीम मैनेजमेंट एंड द वो दोनों की तरफ से बड़ा दोनों बड़े काम रह रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड आई एम श्योर कि वो वर्ल्ड फाइनल भी अच्छा खेलेंगे देखें रिजल्ट हार जीत uh, uh, खेल का हिस्सा है लेकिन जो प्रोसेस लग रहा है साउथ अफ्रीका की टीम जी. का वो बहुत जबरदस्त है और मैं समझ रहा हूँ कि जो जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि यार नेपाल हो गई बांग्लादेश से बड़ा मुश्किल से ये जीत रहे हैं तो क्या आगे जाके जीतेंगे लेकिन वो कंडीशन ही ऐसी थी exactly. जहाँ पर दोनों टीमें इक्वली हो जाती हैं क्योंकि वो मतलब बैटिंग के लिए बहुत टफ विकेट थी लेकिन यह कि वो अंडर प्रेशर काम रहे तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड साउथ अफ्रीका के लिए एक यंग कैप्टन एडन मार्करम के शक्ल में मिल जाना उनको और आई एम श्योर कि वो एज ए प्लेयर भी ग्रूम होंगे और ज्यादा एज ए कैप्टन भी बिल्कुल ठीक है अभी एक मैच में वापस थोड़ा डिस्कशन करते हैं

जो ये, तो ये इंग्लैंड को अगर ये पच्चीस से तीस बारह बॉलों पर तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत टास्क होगा बड़ा मैच है जहाँ भी विकेट गिरेगी वहां पर इंडिया प्रेशर डालेगा इनके ऊपर so इंडिया स्टिल इन डिस पोजिशन और अगर वो बीस पच्चीस रन और बना लेते हैं स्कोर कर लेते हैं आई थिंक इंडिया विल बी फेवरेट टली uh, ये दो ढाई ओवर बहुत क्रूशल अगर इसमें इंग्लैंड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को वन सिक्सटी वन सेवनटी तक रिस्ट्रिक्ट करें अगर इससे ज्यादा स्कोर कर गया इंग्लैंड के लिए चेस करना उसको बड़ा ही टफ होगा और दिल हैव टू बैट आउट ऑफ दियर स्किन क्योंकि गायना का जो रिकॉर्ड है हाफ uh, में वैसी पिच स्लो हो जाती है exactly. बैटिंग तो ये बड़ा क्रूशल हो कुछ बाउंड्री इस बड़ी बड़ी है तो हाँ. इतना आराम से हिट नहीं लगते है और कई दफा विंड का फैक्टर भी आ जाता का है बिल्कुल इसमें और मेरा ख्याल है जो हमने देखा दोनों साइड पे वो जरा छोटी है उधर जब विंड चल रही है तो बड़ा Exactly. भी हुए हैं। और दूसरी उल्टा भी है ना कि जहाँ पे फिर इन टू विंड शॉट लगे तो अच्छी आप लोग कि तो तो और इंग्लैंड का फाइनल मुझे इंडिया के साथ होगा चले आप मेरा कल तक तो यही था की साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का होगा लेकिन अब जिस तरह इंडिया ने स्कोर कर लिया है मुझे लग रहा है ना कहीं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होगा लगता ये कोई के अब शायद मुझे भी लग रहा है कि इंग्लैंड <laughs> <laughs> जिस, जिस उनके दो तीन टॉप ऑर्डर के जो हिटर है एक भी खड़ा होता है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा वैसे बिल्कुल हम लेकिन ख्वाहिश हो ना मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड पहुंचेगी फाइनल में क्योंकि इंग्लैंड टी ट्वेंटी की टॉप साइड इंडिया भी लेकिन अगेन वही बात है ये जो क्रूशल टाइम है ना दो ओवर्स का इसमें अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर गए से नीचे पॉसिबल है कि अगर डेथ बॉलिंग अच्छी कर जो बाउंड्री ना लगे तो 160 से नीचे रख गए तो इवन गेम हो जाएगा अच्छा, इंग्लैंड की बात करें लेकिन अगर इंडिया की भी बात करें तो अनबीटन रही है अभी तक और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनके भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया लेकिन एक प्लेयर जो सबसे बड़ा प्लेयर उसका जरूर दोबारा जानते हैं कोहली विराट कोहली पूरी दुनिया की नजरें

और बड़ा बड़े आसानी से हम कह सकते हैं यार इसको नहीं लाना चाहिए था या इसको रिटायर हो जाना चाहिए अभी पिछला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान को मैच हराया जो वो कोहली के अलावा कोई भी और होता है वो का काम नहीं कर सकता था। तो अगेन ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्म ना भी करे ना तो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते है हम ये चीजें भूल जाते हैं कि यार ये दूसरे प्लेयर्स के लिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जब विराट कोहली डगआउट में बैठा हुआ किसी यंगस्टर को समझा रहा होगा टफ सिचुएशन में Although उसने नहीं किए लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना जाएगा।, जाएगा और सबसे अच्छी बात विराट कोहली की ये है है वो वो फिट फील्डिंग में एक बर्डन नहीं है आपकी टीम के ऊपर तो कोई भी प्लेयर होगा हो सकता है सूर्य कुमार यादव नेक्स्ट टूर्नामेंट में परफॉर्म ना करे हो सकता है कोई और ना करे हो सकता है रोहित शर्मा भी भी बड़ी दफा आपको याद होगा आई थिंक दुबई वाले वर्ल्ड टी ट्वेंटी में जिसमें रोहित शर्मा से नहीं परफॉर्म हुआ था तो विराट कोहली कैप्टन थे और उनसे सवाल हुआ था उन्होंने कहा था रोहित शर्मा का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप तो उसने जवाब बहुत जबरदस्त जवाब दिया उसने कहा आप रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं ना तो वो आ, मतलब उसने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया कि आप रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो टॉप प्लेयर है वर्ल्ड का आई so थिंक वर, ऐसे होते हैं हाँ। जो टीम में मेजोरिटी ऑफ द टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं है लेकिन मैं इस चीज पे थोड़ा सा हूँ की विराट कोहली का ये कहना कि यार का वो 35, 36 में अगर एज कर भी रहे लेकिन उनकी फिटनेस देखें इज वेरी अभी हम ब्रेक पे भी बात करेंगे कितने प्लेयर्स कितने फिट मजीद उनको होने की जरूरत है ब्रेक में बात करेंगे आपने कहीं नहीं जाना देखते रहिए शो टाइम हुए इसमें बात, ब्रेक में जो बात करी <laughs> बात करी <laughs> वो कर ली इसमें क्रिकेट में तरह हमने बात की कि, कि काफी जिंक्स अटैच है जैसे साउथ अफ्रीका का चोक करना कभी इवेंट में सेमीफाइनल ना जीतना और इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा हम सा है वो दिखाते हैं उसमें बात करते हैं कि 92 से अज़र भाई ये सिलसिलाकार शुरू होता है शुरू और तो 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 बारिश हो गई और इंग्लैंड के गेस ही ये खेल रहे थे और ऐसा सिलसिला <coughs> बना के आखिर में क्वेश्चन ये आई कि एक बॉलों पे एक बॉल पे बाइस करना था तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था इनके इनके लिए और फिर एक सिर्फ जीता है इन्होंने 98 की अगर की अगर चैंपियन ट्रॉफी बात करते हैं सिर्फ वो आईसीसी के एक इसी तरह टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की भी साथ देखते हैं नाइनटी नाइन का वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें मेरा ख्याल है कि इनकी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट साइड थी बिल्कुल और वो लास्ट बॉल पे आउट हो जाना क्लूजनर का और उसके बाद वो मैच भी इनके हाथ से गया तो अगेन फिर इसी तरह सेमीफाइनल की बात करते हैं फिर 2015 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है वो बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें जिस तरह की टीम इनकी परफॉर्म कर रही थी न्यूजीलैंड से हार गए फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी भी 2014 में हमने देखा और उससे पहले कि दो दफा टी ट्वेंटी के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में ये चोक कर गए ये सारी चीजों को रखते हुए आज का मैच आज का सेमीफाइनल इनके लिए बहुत बड़ा दिन था और अच्छी चीज पॉजिटिव चीज जो मुझे नजर आई जिस तरह मैंने पहले बात की ये कहीं भी पैनिक नहीं किए कहीं भी इन्होंने अपना शो किया और कम्पोज रहे और ये मेरा ख्याल है एक चैंपियन टीम की तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कहना चाहिए वो नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल बट बड़ा इनका अनफॉर्चुनेट रहा है कि यार नॉकआउट स्टेजेस पे आके बड़े बड़े ऐसे मैचेस देखे हैं जो आ, इनके हाथ <coughs> ऐसा लगता नहीं था कि साउथ अफ्रीका हारेगा वो हार जाते थे तो एक बाकी एक बन चुका हुआ था और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आज ये चीज़ एटलीस्ट साउथ फाइनल में तो पहुँचें एंड होपफुली बट बहुत मुश्किल होता है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि यार

अगर फाइनली ये जीत जाते हैं तो सही सेलिब्रेशन तब करेंगे क्योंकि तो अफ्रीका हाँ साउथ अफ्रीका अगला मैच तो नहीं है कोई। <laughs> <laughs> मुझे तो क्यों लग रहा है कि बीटन ये टूर्नामेंट इस बार जीत जाएंगे मेरा दिल भी यही कह रहा है आपका भी यही कह रहा है है बस ठीक मेरा दिल मैं दिल को बात नहीं कहूंगा मैं मेरी खाइश है कि जीत जाएं लेकिन और मैं, क्या कह मैं, क्योंकि मैं हर दफा पिछली दफा पिछले वर्ल्ड कप में यही कह रहा था मेरा दिल कह रहा इस है इस दफा ही जीतेंगे इस बार जीत जाएंगे आपकी क्या प्रेडिक्शन सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं बड़े अरसे से देख रहे हैं वो भी इस चीज को बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा उनके साथ ये होता है कि अच्छी टीम होती है अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई लॉ नहीं नज़र आता लेकिन जब एट द क्रिटिकल जंक्चर जब इम्पॉर्टेंट मैच होता है उसमें कोई ना कोई इनसे ये आ, हो जाता है चोकिंग हो जाती है या कोई आ, गलती हो जाती है तो उससे ऐसे ओवर द लाइन ही जाते तो उनका फाइनलली क्वालिफाई करना आई एम श्योर sure काफ़ी दुनिया ने इसको इंजॉय रिलिश किया होगा सेलिब्रेट किया होगा mm. और अच्छी चीज़ चीज़ें गुड फॉर द क्रिकेट और ये डिज़र्व करता है और अगर इस साइड को हम कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या इतनी शायद

जब बंदा इंसानी खिदमत कर रहा हो बात में है। इस तरह अपना ख्याल जो खाना रातों की नींद जो है भूल चुका हूँ okay. इधर नहीं, नहीं है कहाँ अगर होते तो आपको भी नजर आते माशा मुतमिन होस्ट होती है जी काफी मुतमिन और अजहर एंडवा <laughs> मैं पड़ोसी मुल्क से जो है वो बहुत ही अफगानिस्तान ने जो स्ट्रेटजी रखी, रखी है और यही स्ट्रैटेजी दूसरा जो पड़ोसी मुल्क है उससे भी रखता हूँ यही उम्मीद स्ट्रैटेजी अपना है और वो भी बाहर हो जाए कौन सी स्ट्रैटेजी यही जो आपके सामने जिससे हम बाहर हुए अच्छा बुरी परफॉर्मेंस यस बैड परफॉर्मेंस अच्छा तो आप काफी अनहैप्पी लग रहे हैं मुझे उनकी परफॉर्मेंस लेकिन अब तो इट्स ओके तो काफी देर हो गई है अब तो हम फाइनल में बाकी टीम्स का जिक्र कर रहे हैं और... बस ऐसा ही है काश काश हम अपनी टीम का जिक्र करते है यहाँ एक... पे एक बहुत मायूसी को रिफ्लेक्ट करता है इतने सारे शोज आपने जो किए उसमें काम करना है वो उठाया और अली आपसे भी सेम पॉइंट में उठाता हूँ क्रिकेट इतनी जल्दी आपने क्यों छोड़ी आज, आज वो डॉक्टर डॉक्टर ने, ने ने कहा था छोड़ दे। ना क्रिकेट का छोटा क्योंकि इसके रंग रहते हैं क्रिकेट मैं ब्रिटिश एक्शन में बोलता हूँ मेरा मुंह रबड़ का बन जाता है क्रिकेट हाँ क्रिकेट बस ये जो भी चल है इलेक्शन हो गए तो आप ही घर जाएंगे ही जाएंगे नहीं नहीं इन शाह आप ये देखिएगा और मैं यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए चूंकि बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे पूरी दुनिया देख रही है कैमरा मेरे मुंह पे है और मेरा अरबों तक जा रही है। जी तो मैं यहाँ पे अनाउंस करने लगा हूँ अपनी एक जमात का मैं एक नई जमात बनाने लगा हूँ आपने ब्रेक में, में उस जमात का बताइएगा क्योंकि मुझे पहली मैं, 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 मैं जमात से लेकर सोलवी जमात तक सब लोग होंगे चलिए बहुत शुक्रिया थैंक यू सोलह जमात का नाम होगा आ जाओ चले इसी बात पे मेरे ब्रेक, लेते जी। आ, चले हमें ब्रेक, ब्रेक लेते हैं ब्रेक से को से कंटिन्यू करेंगे जी हमारे साथ लगता है दोनों इक्वल है अभी ऐसा एक साइड नहीं कह सकते जी, बहुत डिफिकल्ट है ये भी नहीं कह सकते इजीली चेज हो जाएगा पैलस के साथ देख रहे हैं और पिच के बिहेवियर ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि शुरू में थोड़ा सा अनइवन बाउंस था बट अभी बाद में हमने देखा कि ग्रेजुअली आफ्टर द शार ये काफ़ी इम्प्रूव हो गया और मॉइस्चर भी अब ओबियसली नहीं रहा मॉइस्चर नहीं रहा लेकिन मैंने जितने बीच में आ, मैच देखते रहे हैं बीच में उसमें कहीं ना कहीं बॉल स्पिन भी किया है नीचे भी रहा है आ, तो इतना इजी नहीं होगा फिर ऑब्वियसली क्रिकेट है अभी हैवी रोल भी हो सकता है लिया हो थोड़ा सा थोड़ी देर हो सकता है बॉल पे बैट बै, पे बॉल बेहतर तरीके से आए ये स्टार्ट पे डिपेंड करता है अगर ये अच्छा स्टार्ट ले गए तो मैच अच्छा होगा अगर ऊपर से दो विकेट गिर गए तो फिर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल का शिकार होगी और क्रिकेट में आप इतना जल्दी नहीं कर सकते जब तक एक एक्चुअली चेज़ शुरू ना हो जाए आ, सो आई फील टफ चेज़ है लेकिन इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइन अब किसी भी चेज़ को आसान बना सकती है अगर उनका डे हुआ कि फील्ड सॉल्ट वगैरह ऊपर से चल गए तो फिर वही है कि तीन चार ओवर में गेम को चेंज कर देते हैं ऑल राइट जी और हम अपनी लकी विनर का नाम भी बताते चले राबिया औरंगजेब फ्रॉम रावलपिंडी बहुत बहुत मुबारक हो राबिया आपको और बड़ी हो है। है। जी जी न्यूजीलैंड ने किया था जी जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया था बिल्कुल कह सकते हैं अच्छा जहर भाई हम देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में दी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है कमिंस की बात करते हैं बुमराह की करते हैं या जैनसन की करते हैं ये तीनों ऐसे बॉलर हैं जो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस के साथ है इवन फजिला फरूकी की भी हमने बात की बट बुमरा की यूनिकनेस ये थी कि अगर विकेट नहीं मिल रही तो एक्स्ट्रा किस्म का वो इकॉनमी उनकी नीचे रहती है ये एक उनका एक प्लस पॉइंट है तो आप क्या समझते हैं अगर इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब पे अटैक करते हैं वो किसी बॉलर को सी ऑफ नहीं करते तो आपका क्या ओपिनियन है देखिए बुमरा इज बाय फार द बिगेस्ट थ्रेट दैट इंग्लैंड विल हैव टू फेस इन इन राइट नाउ देयर स्पिनर्स का भी है Uh, तो खास तौर पे पावर प्ले में आई एम श्योर इंडिया बुमराह से ओवर कराएंगे और पावर प्ले ऐसा विंडो है जिसमें इंग्लैंड ने चेज़ की टोन सेट करनी है और इस तभी चेज कर सकते हैं कि इफ़ दे गेट स्टे अड ऑफ द चेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर रिक्वायर्ड डेट का ऊपर जाना शुरू हो गया तो पिच ऐसा ऐसा वेयर ऑफ़ होगी स्लो डाउन होगी तो उसको चेज करना मुश्किल होगा तो बुमराह को बड़ा टैक्टफुली डील करना पड़ेगा ये भी अप्रोच हो सकता है कि उसके ओवर्स को सी ऑफ करके बाकी दूसरे बॉलर्स को अटैक करें यह भी हो सकता है तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो बटलर और सॉल्ट की जिस तरह की मैंटेलिटी है उनका तो इस तरह का अप्रोच नहीं है वो तो अटैक ही करेंगे उनका नहीं है वो ये नहीं कोशिश करेंगे कि उसको सी ऑफ करें तो ये बड़ा क्रूशल होगा डिसाइज अदर भी अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें ना लास्ट अब जैसे सुबह भी बात की हमने <laughs>

हमें तो पैसों से सपोर्ट होती है पैसे दो हम सपोर्ट को मान लेंगे अरे भाई जैसे लड़के हंसते हुए जरा भी अच्छा नहीं लगते गोवा संग जरा हमारे साथ गाओ हम चाहते हैं कि हमारा जो नगमा है वो आप सब लोग गाएं मिलके ल ये हमने गाना आदि पागल पहली दिखा देखे अफ्रीकन जो है वो इंडियन वो गोवा संग में मोगुआस <laughs> में क्या हाल है ना मतलबा? ये तो मुझे लगता है कैरियर से में सारे संपन <laughs> <laughs> जैसी लड़की से हमने यहाँ पे पूछा हमें कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ का स्पेशली फूड टेस्ट करना चाहते हैं तो बता हम तो, तो इसके बहुत बड़े फैन थे भाई साउथ अफ्रीका में जब हम आपका सोचा तो हम आपके बहुत बड़े फैन थे ठीक है लेकिन अब जब से हम यहाँ पर आए हैं हमने से कहा कि क्या पका है कहती बकरे के फीट पकाया है oh <laughs> तो बकरे के फीट की इंग्लिश नहीं आती वो भी कोई होस्ट हुआ बोला नहीं ना ट्रॉटर्स कहते हैं ट्रॉटर्स नेक्स्ट टाइम बोलना हो तो ट्रॉटर्स और आपका क्या ट्रॉटर्स है मुस्कुराते रहते हैं कभी को बात भी किया करें आप करते है। लड़की आपकी मुस्कान पे मर जाएगी ये सब झूठ है ऐसा कुछ नहीं होने वाला पिंक शर्ट ओहो हो हो, हो पिंक लिपस्टिक पिंक शर्ट क्या मैचिंग की है हमारे साथ कहीं अंदर ही अंदर तुम हमें दिल तो नहीं दे रहे <laughs> ऐसा तो कुछ नहीं है बाजवा साहब हम आपके बहुत बड़े फैन बिल्कुल भी नहीं मैं भी है बड़ी बात है हमें बहुत अच्छा लगा है तो कैसा लग रहा है साउथ अफ्रीका को फिनाल में देख कर मुझे आपको इधर बहुत अच्छा लग रहा है हो, हो ये इंसान हमेशा दिल से तारीफ करता है कोई भी यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर आता है वो बहुत अच्छा है ना फीमेल कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है तो एक दफा तालियां हो जाए सारे फीमेल कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है अजहर अली साहब ये तो शो एक महीने का खत्म होने है उसके बाद आप कहाँ होंगे इधर उधर कहीं ना कहीं होंगे कभी आप आपने किया बॉम्बे नहीं कभी करके देखे नहीं आई जरा आपकी में सारे चेक करते हैं जरा खड़े हो जाइए आप को आई एफ बीज लगी हुई है हमें एक बात की समझ नहीं है की आप पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं कैसे अब जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने गली मोहल्लों के खाने खा के मेरा पेट खराब हो गया अगर ये पेट मेरे साउथ अफ्रीका में खराब होता तो सब कहते हैं सून लेकिन यहाँ पर जब से मैं खराब हुआ तो इरफान जैसे लड़के बाजवा साहब जैसे लड़के कह रहे हैं और हमारे रिश्तेदार का भी पेट ऐसे ही खराब हुआ था एडिया रगड़ रगड़ के मरा था लग रहा है वैसे। है। गलत बात है किसी शख्स को ऐसे मार देना हैरान है। हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं क्या सोच रहे हैं आप आज मैं आपको देख के बहुत परेशान क्या निकल आया है उसने ओरिजिनल की बात तो कोई नहीं बात किया तो ना सच बता देता हूँ अच्छी लग रही हो वैसे बाय बाय तुम और क्या हाल चाल है मैं ठीक हूँ तो इस जैसी लड़कियाँ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद जब बड़ी सारी गाड़ी लेती हैं तो कौन सा गाना लगाती हैं कौन सा चिट्टा चोला लगाती है ना बहुत अच्छा चल रहा है तुम लोग आज ब्रेक नहीं आ रही मजे की बहुत है आज कैटअप ने जो है

उसके वाले से हम देखेंगे अभी आपसे ज़्यादा चाहेंगे अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद